साथियों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं और आप भी मेरी तरह अपनी वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके मन में भी ये कभी ना कभी जरूर आता होगा कि काश मेरे पास भी एक DSLR कैमरा होता और मैं अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर पाता। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल में ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता है जिससे हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर पाए। दोस्तों, वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दावा किया जाता है कि आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वो वीडियो सच है? क्या जो उनमें बताया जाता है वो सच है? क्या हम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं? या फिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। YouTube पर जो हजारों फर्जी वीडियो में आपको हजारों फर्जी एप्लीकेशन बताई जाती है, क्या उनकी मदद से अपने बैकग्राउंड को ब्लर किया जा सकता है? दोस्तों, ये जो बात अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप अपने दिमाग में डाल लेना। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, पल्ले में गांठ बांध लेना। दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप अपनी वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं विदाउट ग्रीन स्क्रीन, बिना ग्रीन स्क्रीन के, यानी आप अपने घर का रियल बैकग्राउंड यूज करते हैं अपनी वीडियो में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दोस्तों, इस तरीके के बैकग्राउंड को इन एप्लीकेशन की मदद से, क्या दुनिया की किसी भी एप्लीकेशन की मदद से ब्लर नहीं किया जा सकता। इसको ब्लर करने का केवल एक रास्ता है, आपके पास में DSLR कैमरा होना चाहिए। बाकी जो यूट्यूब पर आपको हजारों एप्लीकेशन बताई जाती है उनकी मदद से इस तरीके के बैकग्राउंड को कभी भी ब्लर नहीं किया जा सकता, ये आप दिमाग में डाल लेना। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे ब्लर किया जा सकता है। दोस्तों, जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो है और उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लर हो चुका है। दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को ग्रीन स्क्रीन पर शूट करना पड़ेगा दोस्तों, और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी मैंने ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड की है, ये रियल बैकग्राउंड नहीं है। दोस्तों, अभी मैं आपको अपनी वीडियो के रियल बैकग्राउंड को आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, ये है मेरी वीडियो का रियल बैकग्राउंड। मैं अपनी वीडियो को ग्रीन स्क्रीन पे शूट करता हूं, उसके बाद मैं क्रोमा की के फीचर से इस ग्रीन स्क्रीन को हटा देता हूं और यहां पे एक नया बैकग्राउंड ऐड कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों, उस बैकग्राउंड को मैं ब्लर कर देता हूं। दोस्तों, यही एकमात्र तरीका है अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करने का। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि बैकग्राउंड को ब्लर कैसे किया जाता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। साथियों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैंने फिल्मोरा को ओपन किया हुआ है जिसकी मदद से मैं आपको इस वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास में एक वीडियो है जिसका मैं बैकग्राउंड ब्लर करने वाला हूं, लेकिन मैंने इस वीडियो को ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना होगा। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लिया है। अब बारी आती है बैकग्राउंड को ऐड करने की, तो मैं इसमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूं। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास में एक बैकग्राउंड है, मैं इसको ऐड करने वाला हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है, अब बारी आती है इसको ब्लर करने की। तो ब्लर करने के लिए सिंपली आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमें एक इफेक्ट को ढूंढना होगा जिसका नाम है स्क्वायर ब्लर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है SQ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट आ चुका है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको माउस से पकड़ना है और पकड़ने के बाद दोस्तों, यहाँ पे बैकग्राउंड पे लाके आपको ड्रॉप कर देना है। जैसे दोस्तों बैकग्राउंड पे आप इसको ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। दोस्तों, अगर आप ब्लर को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड पे आना है और यहाँ पे आपको माउस से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों, सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा वीडियो इफेक्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, साइज और अल्फा का। तो दोस्तों, यहाँ से आप इसकी साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो परफेक्टली ब्लर हो चुका है और दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल देखने में ऐसी लग रही है जैसे इसको DSLR कैमरे से शूट किया गया हो। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, आपको यूट्यूब पे बताए जाने वाली एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, उनसे आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर तो नहीं कर पाओगे लेकिन आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो डैमेज हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों एक बात और बता देता हूं, दोस्तों अगर आपकी वीडियो में दम है, आपकी ऑडियो क्वालिटी में दम है, दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास में अभी संसाधन नहीं है, आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर है, आप नए नए अभी आपने चैनल शुरू किया है, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी से ज्यादा ऑडियो की क्वालिटी पर ध्यान देना, ऑडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करना। और अगर आपकी वीडियो में दम है ना, तो दोस्तों अगर आप सड़क पर भी जाकर अपनी वीडियो को शूट करोगे या फिर खेतों में जाकर अपनी वीडियो को शूट करोगे तो लोग वहां पर भी देखने के लिए जरूर आएंगे। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी ऑडियो की क्वालिटी बेहतर करनी है, वीडियो की क्वालिटी बेहतर करनी है। अगर आपके पास में संसाधन नहीं है, आप ग्रीन स्क्रीन नहीं परचेज कर सकते हैं, तो जहां पे भी आप वीडियो शूट करते हैं वहीं पे आप अपनी वीडियो शूट कीजिए, लेकिन आप अपनी वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी और अच्छी वीडियो यानी अच्छा कंटेंट आप लेकर के आए यूट्यूब पे, तो आपको लोग देखने के लिए जरूर आएंगे, फिर चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरा आपको काम पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पे आपको इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।